एक बात को मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि ये मालूम चल जाता है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप सभी लोगों ने अगर देखे होंगे अपनी परीक्षाओं के क्वेश्चंस पेपर, फिर चाहे आपके वनडे एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस हो या फिर आपके सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर हो, तो आप सभी देखते हैं कि आपके पुरस्कारों से सम्मान पुरस्कारों या सम्मान से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आज हम लोग बात करते हैं रमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में। कई लोग आप इन्हें इसे रेमन कह देते हैं, और आपने देखा होगा कि 2019 में जो आपके पत्रकार हैं रवीश कुमार, इन्हें भी दिया गया था। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले अगर हम लोग भारतीय की बात करें, रमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे, और 2006 में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल भी इस पुरस्कार को पा चुके हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो इनसे क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा जा सकता है। पहला तो आप लोगों को याद ही रखना है कि आपके विनोबा पहले भारतीय रमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। ये 1958 की बात हो रही है, और आप सभी देखेंगे कि 1957 में इससे पुरस्कार का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे कि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, और फिलीपींस के गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति के सम्मान में एक तरह से ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एशिया का ही एक देश है आपका फिलीपींस। देखिए ये हमारा एशिया है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ आप देखेंगे फिलीपींस। और इसकी राजधानी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मनीला है, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ कि आपका रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था, और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी कहते हैं, आप लोग मानते हैं। और इसका नाम आप बात करें तो आप देखेंगे कि जो फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के तीसरे नंबर के जो प्रेसिडेंट साहब थे, उनके नाम पर रमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य एशिया में ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों को पहचानना और सम्मानित करना है जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लिए लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है और उदारता से दूसरों की मदद की है। 2009 में आप देखेंगे यह पुरस्कार पारंपरिक रूप से 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इन सभी श्रेणियों को भी याद रखिए, आपका हो सकता है कि सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें कथन दे देता है, फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि इसमें से 1, 2, 3 सही है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखेंगे सरकारी सेवा हो, सार्वजनिक सेवा हो, सामुदायिक नेतृत्व हो, पत्रकारिता हो, या फिर आप देखेंगे साहित्य एवं रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है। हालांकि 2009 के बाद से रमन मैग्सेस अवार्ड फाउंडेशन प्रतिवर्ष इमर्जेंट लीडरशिप के क्षेत्र से पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है, और पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और रमन मैग्सेस की छवि के साथ एक पदक और नगद पुरस्कार भी इसमें प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया की नोबेल पुरस्कार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। हो सकता है कि आपसे वनडे एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है रमन मैग्सेस पुरस्कार को। 2021 के अगर हम लोग विजेताओं की बात करें तो इसमें आप देखेंगे बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी वैक्सीन के वैज्ञानिक हैं, और पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद साकिब माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी, इन्होंने भूमिका निभाई है। फिलीपीन से रॉबर्टो वेलोन इफिसारो और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टीवन मुंसी मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, और वॉच डॉग
खोजी पत्रकारिता संबंधी इंडोनेशियाई समूह है, तो इन सभी लोगों को आप देखेंगे इन्हें दिया गया है। तो इनके नाम याद रखिएगा, या तो भारत से जुड़ा हुआ कोई किसी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, या पहली बार कब दिया गया था, इनसे इसी तरह के मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपका रमन मैगसेस पुरस्कार से क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, उसका आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कम से कम न्यूज़पेपर भी फॉलो करते रहा करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। चलिए, तो यही है आपके रमन मैगसेस पुरस्कार की कहानी।